नमस्कार, मैं अमृता भारती, उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। उल्लासनगर शहर में लगातार हो रही चोरियों को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जिसका असर यह हुआ है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो चोरों को पकड़ लिया, जिनके पास से 5 मोबाइल जो 88,000 रुपये के हैं और दूसरे के पास से 15,000 के कपड़े बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, सेंट्रल पुलिस स्टेशन की तरफ से दो चोरों को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद पकड़ा गया, जिनमें पहला करण ठाकुर जो दहीसर का रहने वाला है, उसको सेंचुरी मैदान डॉल्फिन क्लब उल्लासनगर 3 से ताबे में ले लिया गया। तो उसके पास से अलग अलग कंपनियों के चोरी हुए 88,500 रुपये के 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और दूसरा आरोपी अरबाज महमूद खान जो भिंडीपारा अंबरनाथ का रहने वाला है, उसको भी पकड़ लिया गया। तो उसके पास से भी चोरी किए हुए 15,000 रुपये के कपड़े बरामद किए गए हैं। ऐसे दो चोरों को सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन गुना नंबर 315 हाउस ब्रेकिंग ची केस आहे, त्यामध्ये 5 मोबाईल चोरी गेले होते। आणि दुसरी केस आहे 256, ते भी हाउस ब्रेकिंग ची, अशा दोन हाउस ब्रेकिंग चे गुन्हे दाखल झाले। एका केस मध्ये 315 आरोपीला एक आरोपी करण ठाकूर याला अटक केलेली आहे, त्याच्याकडून 5 मोबाईल विविध कंपनीचे 5 मोबाईल रिकवर करून 88,000 माल रिकवर केलेला आहे। दुसऱ्यामध्ये आरोपी अरबाज महमूद खान म्हणून आहे, त्यालाही कालच अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून कपडे चोरी गेलेले कपडे 15,000 कपडे ते हस्तगत केलेले, असे 1,35,000 माल रिकवर केलेला आहे। आरोपीला 29 तारखेला अटक केलेली आहे। आज त्यांना रिमांड करता कोर्टात पेशी करण्याकरता घेऊन गेलेले आहे। जो 256 अरबाज महमूद खान आहे, त्याच्यावर 324 ची केस आहे हिल लाईन पोलिसांना। जो दुसरा एक करण ठाकूर, त्याच्याबद्दल आम्ही शोध घेत आहे। सर, कशा प्रकारे चोरी करत होते? घरपोडी घरपोडीचे आरोप आहे ते, शटर उघडून रात्रीचे अंधारात वगैरे घरपोडी शटर उघडून ते चोरी करत होते। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।